एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस वर्मा ब्लॉग। मैं संजय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्नैप ब्लॉग में। जैसा कि आज 2 जनवरी है और हम लोग जा रहे हैं यहां से लंबा 160 किलोमीटर गिरौदपुरी धाम बड़ौदा बाजार पलारी रोड होते हुए, और अपने साथ में मोहित, पवन, जितेन, भासु, अपन 6 लोग हैं जो जा रहे हैं। तो रास्ते में आप लोग को आगे का दिखाता, तो बने रहे मेरे वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मोहित, जितेन, भासु, सागर, मैं और एक दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर कैसा अनुभव बताना सर। अभी अब जा रहे हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे कितना मजा आता है, फिर वापसी में वहाँ बताएंगे आपको कितना मजा आने वाला है। बॉस मोहित डॉन, क्या होगा बता मोहित, फिर जो भी होगा अच्छा। अभी जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों, अभी हम लोग कुम्हारी हैं, अब जा रहे हैं भिलाई से बड़ौदा बाजार, जहाँ प्रदीप मिश्रा जी का भागवत कथा स्थल। तो आप लोग बनी रही है, भिलाई से बड़ौदा बाजार जाना है, कोकड़ी ग्राम, कोकड़ी कैसे जाना है। किनारे इस किनारे ले चल रहा कार है, बस अभी हम लोग भिलाई से निकले हैं और कुम्हारी पहुंचे दोस्तों, कुम्हारी टोल नाका के पास पहुंचे हैं और एक ग्रीन सिटी भी है पीछे, उसी किनारे चलना। हाँ है ना, मेरे साथ गाड़ी सागर ड्राइव कर रहा है और आगे टोल नाका है, तो टोल नाका दिखाता हूँ। कुम्हारी टोल नाका दोस्तों, जहाँ भीड़ है, सब पिकनिक में जा रहे हैं घूमने, ट्रैफिक देख सकते हो। ना भाई सागर के लिए चश्मा दिखाओ भैया, चश्मे की दुकान है जहाँ अपन चश्मा ले रहे हैं। बताओ कुम्हारी सागर को कौन सा चश्मा पसंद आ रहा है? सागर सभी यहाँ पर चश्मा, गॉगल एक फैशन हो गया है। और तीन दोस्त लोग आगे, टाटी वन ये रोड है, देख लो टाटी वन टू भिलाई, भिलाई से अपन आए हैं और जा रहे हैं टाटी बंद होते हुए बड़ौदा बाजार। चश्मा है भाई ले रहा है, सागर को पसंद आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो अभी हम लोग हैं छेरी खेड़ी HP पेट्रोल पंप के सामने। अभी भिलाई से हम लोग को सिर्फ 51 किलोमीटर का सफ़र करने में 11:30 बज गया है और अभी भी हम लोग रोड में ही हैं, क्योंकि हमारा 3 साथी पीछे छूट गया है, उनके वेट में हम लोग रुके हुए हैं। और अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग कहाँ, पिथौरा से सीधा कसडोल गिरौदपुरी बड़ौदा बाजार होते हुए भिलाई के लिए निकलेंगे खुर्सी पार। तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बनिए रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए मेरा ब्लॉग को। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रुको तो दोस्तों, अभी हम लोग इस वक्त नेशनल हाईवे 53 पे हैं और अभी हम लोग आरंग नहीं पहुंचे, आरंग से पहले ही हैं कुछ दूर, और हमारे दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग लंबे सफ़र के लिए निकले हुए हैं, मोहित और हेमंत के लिए। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग अभी आरंग टोल नाका पार किए हुए हैं, कुर्सी पार भिलाई से आए हैं। क्या हो गया, क्या हुआ? तो दोस्तों आप लोगों को पूरे रास्ते का ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग आरंग पहुँचे हैं, हम लोग 3 बाइक हैं, 8 लोग हैं, पीछे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग आगे और बाइक चल रहे हैं। आप तो बनिए रहकर तो दोस्तों अभी हम लोग आरंग पहुंच चुके हैं और हमारे दोस्त लोग भटक चुके हैं, रास्ता वापस उनकी ओर जा रहे हैं। अभी फिर वापस आप लोग को आरंग सिटी के अंदर से होके जाएंगे, है ना। अभी हम लोग नाश्ता करने रुके हुए एक दुकान पे, अभी हम लोग सब आरंग पे हैं, नाश्ता करने एक टपरी पे रुके हुए हैं और मेरा भाई लोग नाश्ता कर रहे हैं और अंकल नाश्ता बना रहे हैं। बता दे भाई। हाँ, बहुत गर्म है। तो अभी अपने सभी दोस्त लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग देख लो।
होटल पे रुके हुए हैं, है ना। क्या है भाई नाश्ते में हेमंत, क्या खा रहा है? मोहित कहाँ जा, कहाँ रहे अपन? अच्छा गोलू क्या खा रहा है इस नाश्ते पे? समोसा है भैया, देख लीजिए। सबका समोसा है मिक्स बना के। जितेन भैया और भैया बना रहे हैं, अंकल हमारे। दोस्तों फिलहाल हम लोग नाश्ता कर लिए और अभी हम लोग आरंग सिटी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो आप लोग देख लिया आरंग सिटी कैसा है, ये आप लोग देख सकते हो। आरंग सिटी, ये आरंग सिटी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि ये नेशनल हाईवे जो है सिटी से बाहर काटा गया है और ये वाला जो रोड है सीधा हाईवे पे जाके मिलेगा वापस। बनिए रहिए और देखते रहिए ब्लॉग, कैसा लगे बताइए। आरंग सीधा जान दे, सीधा किनारे दीवार को पकड़ के चाहे उस पार चढ़ेगा तो उस पार चढ़ेगा। सफेद जान दे दोस्तों, आरंग सिटी बहुत बड़ा है आप लोग देख लो। जैसा कि आरंग बस स्टैंड में पहुंचने वाले हैं, देख लो दोस्तों। हमारे दोस्त लोग पीछे हैं बाइक में, पीछे जीतेन, फिर मोहित की गैंग, फिर मैं और सागर हैं एक बाइक पे। ये थाना है आरंग का, पुलिस थाना। नहीं मालूम क्या हुआ यहाँ पर। पवन, मोहित और हेमंत मेरा भाई क्या ले रहा है? गाजर भी ले लेंगे।
हेमंत क्या हुआ? मटर ले रहा हूँ। मटर दोस्तों, अभी हम लोग पटेवा से पहले कोडार डैम पर आ चुके हैं और इसके बाद फिर इस चौक से कोडार डैम घूमने के बाद कहाँ जाएंगे? पिथौरा। वो दोस्त लोग रुके हुए हैं और तीन दोस्त का और वेट कर रहे हैं हम लोग। तो बनिए रही ब्लॉग में, देखते रहिए। नेशनल हाईवे पे है हम लोग। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग इस रोड से निकल गए हैं। आप लोग देख रहे हो जैसा कि पीछे का नज़ारा, मैं फ्रंट कैमरा में हूँ सागर वाइट टू जगह। और अपन जा रहे हैं मुंबई माता। इसके बाद फिर आप लोग को गिरौदपुर की तरफ जाऊँगा, तो आप लोग को फ्रंट कैमरा से दिखाऊँगा, अभी आप लोग बैक कैमरा से देख सकते हो।
एमन पैर रह गए, एमन पूरा पैर दिया है, मैं सही बता रहा हूँ। दोस्तों हम लोग पिथौरा में एक जगह रुके हैं नाश्ता करने के लिए, सभी भाई नाश्ता कर रहे हैं और तीन साथी आगे निकल जिनको वापस बैग बुला रहे हैं, ठीक है। तो नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद अपन आप लोग को आगे लेके चलते हैं। अभी हम लोग गिरौदपुरी जा रहे हैं। दोस्ती ठहरा हम क्या करें, फ्लाइट मोड में डाल झाड़ू पीना अपना रोको पीओ बोलो खत्म कर नहीं बोल रहा हूँ अलग अलग अपना जो खर्चा होगा तुम तीन देखो जो खर्चा होगा हम तीन देखो दो देखो ऐसी हुआ था पिछले बाजू का चार गाड़ी चार लोग मिल के मेरे को अकेले को नाश्ता तो खाना नहीं खिला पाया मैं अकेला चारों का जीत गया 500 और तीनों मिल के मेरा 100 रुपये नहीं देता मैं मोहित पवन और जस भैया को तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली हम लोग गिरौदपुरी के मुख्य द्वार पे प्रवेश कर रहे हैं और रात का समय है और हम लोग को 7:30 बज गया है जबकि हम लोग अपने घर से निकले थे भिलाई से। हम लोग लगभग 190 किलोमीटर सफ़र करके गिरौदपुरी के जंगल से होते हुए सीधा गिरौदपुरी मंदिर धाम पे प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो गिरौदपुरी का मार्ग रात में कैसा गिरौदपुरी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गिरौदपुरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ का मेला भीड़ मार्केट आप लोग देखिए चारों तरफ मार्केट।